फिर से आप सभी को एक नई वीडियो पर स्वागत है। मैं हूं मनदीप सिंह। आज का वीडियो का टॉपिक है कि अपना व्हाट्स टाइम कैसे पता करें। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है, आप कंटिन्यूअसली वीडियो दे रहे हो, 10-15 वीडियो मान लीजिए आपने अपलोड भी कर दिया है, तो आपको कैसे पता होगा कि आपका व्हाट्स टाइम कितना हुआ है? पहले तो आप अगर नए यूट्यूबर हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि मोनेटाइजेशन के लिए आपको 4000 आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स का ज़रूरत होता है। तो मान लीजिए आपने 10-15 वीडियो अपलोड भी कर दिया है, तो आपका अभी तक व्हाट्स टाइम कितना हुआ है? तो यही जानने के लिए तो वीडियो में आगे बने रहिए। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो वीडियो देखते जाइए। अभी हम लोग आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अभी हम लोग खोलेंगे YT स्टूडियो, यानी कि यूट्यूब स्टूडियो, मंदी फिटनेस। ये भी मेरा ही चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे अर्न पर, जो नीचे है। क्लिक करने के बाद हम लोग आएंगे नीचे 436 पब्लिक वर्ड्स अवर्स, जो कि होना है 4000 मोनेटाइजेशन के लिए। और फिलहाल मेरा सब्सक्राइबर्स है 1093, जो कि होना है 1000, जो कि सब्सक्राइबर्स का हिसाब से देखा जाए तो हो गया है। और व्हाट्स टाइम टोटल होना चाहिए 4000, जो कि हुआ नहीं है। और लाइफ टाइम का अगर देखा जाए तो हुआ है 1129 पब्लिक व्हाट्स टाइम। तो ऐसे ही आप भी देख सकते हो। बस सिंपल सा मेथड है, आप भी आपका चैनल का व्हाट्स टाइम पता कर सकते हो, हर दिन देख सकते हो। बस YT स्टूडियो को इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। करने के बाद अर्न पर आके आप अपने व्हाट्स टाइम देख सकते हो और 4000 के लिए कितना बाकी है और 1000 सब्सक्राइबर्स होना ज़रूरी है, तो आपका सब्सक्राइबर्स कितना हुआ है वो भी पता कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।